तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मंजूपुरु भारद्वाज चैनल में। तो अभी टाइम हो रहा है 4:15 और बच्चे रेडी हो रहे हैं। पुरु भी रेडी हो गई। पुरु स्वेटर बताओ वाला, इधर आना। ये वाली स्वेटर मैंने पिछले ठंड के मौसम में बनाई थी, ये देखो। और बहुत अच्छी स्वेटर आई है इसकी, और इसके चलते ये मैंने ना फर्स्ट बार बनाई थी। हाई नेक वाली बनाई ही नहीं थी मैंने पहले। देखो कि बता कैसी लग रही है। और मैंने आपसे पहले भी कमेंट बॉक्स में पूछा था पिछली बार जब मैं स्वेटर बना रही थी। तो अभी एक्चुअली हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। तरु की बर्थडे पार्टी है, मेरे भाई के बेटे की। ऐसे तो आप जानते हो सब लोग उसको, लेकिन क्या होता है माइंड से निकल जाती है। और मेरा ये प्रिशु भी रेडी हो रहा है, आ गया खुद ही आ गया ही। जा रहे बर्थडे पार्टी में ना, तो सुजल के साथ उधर ये नहीं करनी है। तू बंदर की तरह इधर जाता हो जाता हो, को डोगी खाने पड़ता है वो। हला डॉगी कौन सा? फोन का है तो है, बड़ा शरारती वो। हला इसको तो एक बच्चे बजे खुद ही के रेडी हो रहे हैं मामा के घर में जाने की। इनको इतनी रेडी पड़ी हुई है भाई, जल्दी पड़ी हुई है। तो अभी ना मुंह में क्रीम लगा लेना और तेल डाल, रेडी हो जा। नहा के तूने तेल भी नहीं डाला है, देख ले। ठीक है, पुरु भी रेडी हो रही है, मैंने भी अभी मम्मी रेडी होना है। हाँ जी, आप तेल तो लगा देंगे तो अपना और करते काम। और मैंने बोला बच्चों को आप रेडी हो जाओ ना, उतनी देर तक मैं चाय पी लेती हूँ। गिफ्ट दे वाला पुरु। और अभी हम गए थे शॉप में, पहले मैंने उसको फ़ोन किया कि आज तू कपड़े ले ले, लेकिन बोलते बुआ मैं नहीं आऊँगा आज, तो ये सरप्राइज है उसके लिए, मैं बताऊँगी नहीं। मैं ऐसे बता देती हूँ, बड़ा है हाँ, एक हाथ में नहीं आएगा। ये देखो ऐसे ऐसे नाम नेम स्लिप बताऊँ, ये पुरु और पिशु की तरफ से है गिफ्ट, ठीक है। और बस उठा दे, ये दोनों की तरफ से गिफ्ट है। और इसमें कुछ ऐसा सामान डाला है मत, मतलब वो इतना बड़ा हो गया कि ना तो हम उसको ऐसे मतलब कपड़े बिना देखे सुने दे सकते थे। फिर क्या होता है ना आजकल के, मत करना पुरु, पुरु फाड़ देगा। मत कर तो थप फाड़ा आएगा चल, मुंह यहाँ में क्रीम लगा जा। ऐसे भी कपड़े नहीं ले सकते थे, तो इसलिए मैंने अपने हमने अपना ही मतलब ऐसे न्यू आइडिया लगा के इसमें कुछ ऐसा पैक किया है जिसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने तो वैसे ऑलमोस्ट सभी तैयारियां कर ली हैं, बस बच्चे रेडी हो जाएं। चाय मेरी फिनिश होगी तो हम जाने की तैयार। पुरु के पापा शाम को आएंगे, हम बाय बस ही जाएंगे और शाम को ही वापस आ जाएंगे। ऐसे अगर पुरु के पापा नहीं जाते तो हम निकल जाते हैं, निकल जाते स्कूटी में, लेकिन नहीं आज हम जाएंगे बाय बस। तो जैसे रात का स्टे नाइट अगर मैं उधर ही करना चाहूँ, जब कभी भी ना जाऊँगी या जाती हूँ तो मैं बस में ही जाती हूँ। तो चलिए बातें लगी रहेंगी, और आजकल तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो होते हैं रेडी। तो हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम पहुँच गए हैं बाई बस। थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, फिर से साइड हो जा। और देखो इतनी स्पीड से जा रहे हैं बच्चे बिना देखे सुने। गाय आ रही है, निकल 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 निकल, कभी इधर से है, कभी इधर से, कभी उधर से। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है ना, देखने में बड़ा मज़ा आता है। और जहाँ पे मेरे मायके है ना, और ये है आसपास का व्यू। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ जो चाय पत्ती के बगान जो है ना, बहुत अच्छे लगते हैं देखने को। और ये देखे पुरु बहुत खुश है। क्यों खुश? इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। आगे चलो, आगे आगे आगे, ये देखो भाई, तो तोड़ना मत गिफ्ट, ये देखो। और इवनिंग टाइम में जो है ना, दे मेरे पास दे दे। इवनिंग टाइम में जो है ना, आगे पर उसका हाथ पकड़, गाड़ी आ रही है। इवनिंग टाइम में जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना घूमने जाते हैं। और रास्ता भी इतना कंजस्टेड है कि रास्ते में ना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अभी देखते हैं आगे, बट यहाँ का व्यू देखने में बहुत सुंदर लगता है, ये देखो। अभी पीछे है ये देखो। मौसम आज तो पूरा दिन बहुत अच्छा था और धूप भी बहुत अच्छी थी। आज संडे था ना, तो
तो पता था सबको, भगवान को भी पता होगा कि यूनिफॉर्म वगैरह धोनी है ना, ये वाला रास्ता क्रॉस करके आए अब हम देखो। और ये कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। मुझे किसी ने पहले वाली वीडियो में कमेंट्स किया था, उन्होंने बोला था कि जब भी आप मायके की साइड जाओ तो यहाँ का ब्लॉग पक्का बनाया करो। तो ये देखो मॉर्निंग मैंने यहाँ, मतलब सभी लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करना चाहते हैं। ये देखो बिल्कुल सुनसान रास्ता है यहाँ पे, यहाँ से तो लोगों का चलना मतलब यहाँ से आते जाते रहते, लेकिन मौसम के चलते अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो देखो प्रश्विन के साथ मस्ती कर रहा है, चल चल चल, तीन है, तीन पप्पी हैं, चल आजे बच्ची, इनको मत बुला अपने पास, आजा चलो चलो चलो। ये देखो रहने दे, मत इनको मत बुला अपने पास। ये पप्पी मतलब यहाँ खेल रहे थे ना, और जैसे पुरु ने बुलाया और सभी आ गए। और ये देखो अब यहाँ से भाग रहे थे इसके पीछे भी, वो देखो कहाँ गए। और ये देखो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, और बातें करते हुए जा रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दी थी वो आवाज़। और यहाँ पे इस टाइम शाम हो रही थी, लेकिन फ्रंट इतना सामने पहाड़ जो फ्रंट से देखने में इतने सुंदर लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। और ये जो सामने नीचे तरफ जो है ना, ये हमारा स्कूल दिखाई दे रहा है, मैंने यहीं पर 10th की है। Happy birthday to you, happy birthday dear Sunil, happy birthday to you, yes। अभी जा रहे हैं हम घर, चलते हैं मैडम, है ना। तो ठीक है जी, बाय 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 बाय। ये है हमारी 80 साल की बुढ़ी माँ, सकल देखो शादी के लिए प्रेस वगैरह मरवा लेना, फेसल वगैरह करवा लेना जबर उस दिन, ठीक है। और क्या, ठीक है जी, ठीक है, चलते हम निकलते हैं अभी हम। ओए, और ये इनका इधर डॉगी बैठा हुआ है, ये देखो डॉगी बैठा हुआ है, चलते हम घर। और चल गड्डी लाई थी पापा, आ जाओ आ जाओ, तेरी छोटी बहन, मैं नहीं तो कौन बे, लाइट छोटी बहन, तेरी छोटी बहन पुरु, प्रिशु 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 प्रिशु, गड़ी मुस्को दी चूहे दी। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर कुछ मैं दिख रही हूँ, थोड़ थोड़े 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 पालो चलाती नहीं जी, जो गोरी पालो पालो। देखिए हमें टाटा सी यू बोलने के लिए आई है, देखो कैमरामैन आई पुरु, ओए कब आना, मैंने 26 को, 26 सूट सिलवाने के लिए आएगी। मैंने इसको रिस्पत दी है कि मैं दिन के और रात के दो बर्तन जो है ना इकट्ठे करके रास्ते रास्ते अल्लाह के नाम पे दे दे, ए दीदी दे 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 दे, दीदी दीदी 10 रुपए तो दे दे, निकलते हैं निकलते हैं, 10 बज गए, बाय। अच्छा ओके ओके।
शिवा सनी ओम दाता जानदार जोग दंगिया एक चीज सुनो ना 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 चली गाना सुन की चली गाना ना ना इसे ही पुट्ठे छोड़ पुट्ठे चली गाना सुन अभी जो है शाम का टाइम मैं खाना वगैरह खा के हो चुके हैं अम्फ्री और ये देखिए ये है पुरु और ये पारू हेलो हेलो अभी खाना खा के हम हो चुके हैं फ्री और जाना है घर को लेकिन पुरु के पापा जो है ना अभी फ्री फायर खेल रहे हैं और वो बोल रहे हैं अभी जाना है कभी बोले नहीं जाना है तो इन्होंने मुझे बीच मझधार में फंसा के रख दिया है और इधर बैठे हुए मम्मी ठीक है तो अभी मैं और परु गद्दी गाना पुरु कौन है गद्दी गाना हाँ ओ स्टार्टिंग कर ओम दाता जाना रंजो टंगिया क्या ओम दाता जाना रंजो टंगिया बोंदा हो रंजो टेहलू है बोंदा आगे क्या इन्ना लो कांदे जली जांदे सीने माए आगे क्या है सीने में आया कि क्या है मैं तो यूट्यूब से सुना दिया यूट्यूब में थोड़ी नहीं यहाँ मेरे को थोड़ा सा सुना ऐसा नहीं होना वो डंगिया डूली वो जाना वो डंगिया ढेई वो जाना अब ये देखो एक गाना गाने के ना सिरी तू सालों का पछताड़ा माए मेरी अभी मुझे नहीं आता ये वाला गाना ये थोड़ा बहुत जो भी सुनाया है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि परू का गाना कैसा लग रहा है और क्या करना मैडम जाना घर नहीं जाना यू डोंट नो नहीं और अभी टाइम पता कितने बज रहे टाइम क्यों हुआ दस बज गए और अभी हमने घर जाना इन दोनों ने इतना गंद डाल के रखा हुआ है ना ठीक है बहुत गंद डाल के रखा हुआ है और जो बेड के जो ओनर है ना उनको हमने साइड में बिठा के रखा हुआ है हम तीन हो गए यहाँ पे एडजस्ट और ओनर बेचारे इस साइड बैठे हुए सुख देखो एक तो लड़ाकी अभी अभी सुख दुख लाए मेरे यार पुर चुप रामा यार इन्होंने बड़े इतना गंद डाल के रखा हुआ है ना चलो मैं अपनी वीडियो का एंडिंग में यही पे करती हूँ मैं ठीक है अभी देखती हूँ घर जा रही हूँ तो मैं मतलब रास्ते में करूंगी फोन गिर जाना मेरा फोन टूटा तो पुरु तू गई हाँ पुरु मेरा फोन अभी देखना ये दोनों जो है ना अभी दोनों जो है ना ये मस्ती कर रहे देख लो और बोलते है ना वो मैंने अभी कर देना इसके मुंह में ना